तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली तो यह 4 मई से शुरू है, 4 मई 2021, लेकिन आप बच्चों के लिए यह स्टार्ट है 6 मई से, क्योंकि 4 मई को उड़िया भाषा है जिसका कोड 013 है। आपको मैंने जो PDF सेंड किया है आपके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। बट बेसिकली ये आप लोगों के लिए स्टार्ट है 6 मई। इंग्लिश 10th मई, दैट इज हैविंग हिंदी 15th मई, दैट इज सैटरडे। साइंस 21st फ्राइडे, दैट इज मैथ्स 27th थर्सडे, दैट इज सोशल साइंस 2nd ऑफ जून, दैट इज वेडनेसडे संस्कृत। तो बच्चों इतना बढ़िया रूटीन आपको इससे पहले तो कभी देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि इतना ज्यादा गैप एक एक सब्जेक्ट के बीच। आप ध्यान से देखिए, 6th को इंग्लिश है, 10th को हिंदी है, बीच में आपको बिल्कुल 3 दिन बोलो 4 दिन बोलो, ठीक है, पूरी तरह से कंप्लीट गैप है, ठीक है। उसके बाद फिर 15th को सैटरडे को आपका साइंस है, अच्छा खासा गैप। फिर आपको 15th से 21st मैथ्स, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन 6 दिन, आप आराम से रिवीजन कर सकते हो, है ना। और फिर SST सोशल साइंस, जिसको सबसे वास्ट सब्जेक्ट मानते हैं बच्चे, ठीक है, वो 27th को, मतलब 6 दिन का इसमें भी गैप। अब इससे बेटर और क्या चाहिए, जिन बच्चों का संस्कृत है उनका 2nd। तो आप देखो बेसिकली हर सब्जेक्ट के बीच अच्छा खासा गैप मिला है, जिसमें आप पूरा का पूरा NCERT बुक एक बार कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो स्टार्टिंग से। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप बोल सकते हो कि जो है हम लोगों को बहुत ही कम समय दिया गया। CBSE इस बार इतनी अच्छी रूटीन सेट किया है आप बच्चों के लिए, तो आप अच्छे से मेहनत करो, ध्यान लगाओ, ठीक है। और 21st जो फ्राइडे को मैथ्स है आप लोगों का, स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स सेम डे है। हिंदी कुछ बच्चों का ए खंड होता है, कुछ बच्चों का ब खंड बी होता है, सेक्शन बी होता है। तो दोनों पेपर आपका 10th को ही है, 10th मई को ही है, थर्सडे को, ठीक है। तो आप एकदम बिल्कुल जो है लग जाओ तैयारी में, और इससे बेटर रूटीन नहीं मिल सकता। तभी जो बीच में सॉन्ग आया था सैटरडे आप इंजॉय कर सकते हो आफ्टर एग्जामिनेशन। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, एंड जस्ट बी कंटिन्यू विथ योर सिलेबस। ओके।